हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स में शुमार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बुधवार की सुबह दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार का पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन 1947 की फिल्म जुगनू से उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान मिली। दिलीप कुमार बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने सबसे अधिक बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दिलीप कुमार ने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है। दिलीप कुमार अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला के साथ रिलेशनशिप में रहने को लेकर सुर्खियों में रहते थे, लेकिन ये जोड़ी कभी शादी के बंधन में बंध नहीं पाई। दिलीप कुमार ने 1966 में एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा के गोल्ड एज के आखिरी एक्टर के रूप में भी याद किया जाता है। दिलीप कुमार ने अपनी स्कूलिंग नासिक के देवलाली में बॉनर स्कूल से की थी, जहां राज कपूर भी पढ़ते थे। दिलीप कुमार को लेकर एक बेहद दिलचस्प घटना है। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की किसी बात पर अपने पिता से बहस हो गई थी, जिसके बाद वे घर से भाग गए थे। उस वक्त दिलीप कुमार की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। पुणे में जाकर उन्होंने एक पारसी कैफे के मालिक की मदद की और फिर एक सैंडविच का स्टॉल लगाया। सैंडविच बेचकर उस वक्त उन्होंने 5,000 से अधिक रुपए जमा किए। उस वक्त 5,000 काफी बड़ी रकम होती थी। साल 1942 में दिलीप कुमार ने बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया, जहां वे 1,250 रुपए की सैलरी पर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते थे। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। कभी आपने सोचा है क्यों? दरअसल 1950 के दशक में दिलीप कुमार ने ज्यादातर ऐसी फिल्में की थी जो ज्यादातर डिप्रेशन और दुख से प्रभावित थी, जिसके कारण उनका नाम ही ट्रेजेडी किंग पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।